नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वावला आपका स्वागत करता हूं हमारे वाफ्ट चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं BTC के बारे में कि एक्चुअल में BTC जो भी हमने यहां सोचा था कि एक सपोर्ट को टच करने वाला है, बिल्कुल वैसे ही उसी पॉइंट पे हिट हुआ, लेकिन हम सेफली वहां से बाहर निकल के आ गए। तो नेक्स्ट इसका मूव क्या होने वाला है ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर बता दिया, लेकिन यहां मैं थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूं। तो हम लगभग 3-4 दिन से BTC को ट्रैक कर रहे हैं जब से मार्केट और भी ज़्यादा डंप होना शुरू हुई है, लेकिन इसी के साथ हम सेफली अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एक्चुअल में ये रीज़न क्या है, इसके पीछे मार्केट अभी डंप में क्यों चल रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफरेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफरेट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ग्राफ्स के ऊपर ही, जो मैं लगभग 2-3 दिन से आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो नोटिस किया था वो ये था कि एंट्री पॉइंट हमारा जो था वो $29,200 के आसपास था, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगाया था। तो स्टॉप लॉस था हमारा $27,970 के आसपास, वहाँ से हमने प्रॉफिट भी बुक किया जब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, जो कि $30,000 को क्रॉस किया। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये $31,400 तक जाएगा, लेकिन वहाँ तक हिट नहीं हुआ, लेकिन सेफली हम यहाँ से निकल गए। एक हमारा जो स्टॉप लॉस था वो $27,970 के आसपास था, यानी कि यहाँ पे जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे पहुँचेगा तो उसके बाद हमारा जो है वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। और उसी के साथ हमने देखा कि बिल्कुल सही पॉइंट रहा, और प्राइस उससे ज़्यादा नीचे जो आया था वो $27,300 के आसपास आया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस नीचे गिरा था। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से डाउनफॉल आएगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो है कि $24,000 तक जाएगा। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो $20,000 तक जाएगा। तो यहाँ आप हमारे टेक प्रॉफिट 1 और 2 दोनों नोटिस कर सकते हैं। ग्राफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दिया, यहाँ आप सामने भी देख रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली आप एक टोटली लॉस में जाने वाले। तो स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे तो आप खुद बोल लोगे कि हाँ शायद अभी कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, इससे अच्छा है ये कि ट्रेड बंद कर दो या फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दो या फिर क्रिप्टो मार्केट ही छोड़ दो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बुक होगा एंड हम ज़्यादा लॉस भी यहाँ सहन नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं मेन रीजंस के ऊपर कि यहाँ मेन रीज़न क्या है। इंडिया के तो कई सारे रीज़न आ चुके हैं। इंडिया ने अभी टैक्स को लेकर एक बार फिर से कंफर्मेशन दी कि 1% TDS लगेगा, 0.1% नहीं लगेगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि अभी जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, जो भी क्रिप्टो को लेकर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नोट करी जाएंगी, उनको ट्रैक किया जाएगा कि आपका अभी बाइंग कितनी हो रही है, सेलिंग कितनी हो रही है, आपने कितना पैसा बैंक अकाउंट में निकाला, ये हर एक चीज़ गवर्नमेंट के पास जा रही है। और ये और भी ज़्यादा क्लियरली जाएगी जब 1 जुलाई को TDS लागू हो जाएगा, क्योंकि उससे ट्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ जो इंडिया की तरफ से आज के दिन ही आई है वो है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने खुद वार्न किया है कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो इससे बच के रहना चाहिए। तो DeFi, क्योंकि जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वो विदाउट एनी रेगुलेशन है, जिस कारण अभी उनका मानना ये है कि यहाँ पे एक तो वैसे बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, ऊपर से मार्केट इस तरीके से दिख रही है कि लगातार BTC डंप होता जा रहा है, जिस कारण ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जो होल्डर्स हैं पेशेंस बना के रखेंगे शायद वो सेफली प्ले कर रहे हैं, वरना कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि आज का जो मार्केट कैप है वो $1.1 trillion तक आ चुका है, जो कि एक्चुअल में $2.5 trillion के आसपास होना चाहिए था। इवन इसकी जो डोमिनेंस है वो 49% को टारगेट कर रही थी आज के दिन, अभी चाहे 47-47% के आसपास चल रही है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। यानी कि यहाँ मुझे एक चीज़ ये भी देखने को मिली है या फिर लग रही है कि शायद BTC की डोमिनेंस को बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, ऑल्ट से पैसा निकालकर BTC में डाला जा रहा है। BTC में कैसे डलेगा, क्योंकि सभी ऑल्ट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है उसी को BTC में लगा रहे हैं, जिससे BTC की डोमिनेंस यानी कि इसका मार्केट कैप ऑब्वियसली बढ़ेगा और दूसरे ऑल्टकॉइंस का नीचे गिरेगा। जब इसकी डोमिनेंस 50% के आसपास आ गई उसके बाद हम यहाँ नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ से एक ऊपर का मूव दिख रहा है BTC में और इवन ऑल्ट्स में, क्योंकि लगभग 1 साल से ये डोमिनेंस हिली हुई थी, यानी कि 50% से नीचे जा चुकी थी, अब ये वापस आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इस कारण जो मेन खासकर पैसा निकला है वो इथेरियम से निकला है। इथेरियम का वैल्यू आज $1,450 के आसपास नीचे गिरी है, जो कि बहुत बुरी सिचुएशन भी है होल्डर्स के लिए, लेकिन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा है उन्होंने और भी ज़्यादा बाइंग करी है। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र उन्होंने इसको डेंजरस क्यों बोला,
आखिरकार हम इतना तो जानते हैं कि इनको इतना तो कुछ पता नहीं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, कुछ भी कभी भी बोल देते हैं जो भी बाहर से सुनते हैं। तो एक्चुअल में जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी येलन ने, उन्होंने वार्न किया था कि क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की। उन्होंने वेरी रिस्की बोल दिया, इन्होंने डेंजरस बोल दिया। तो एक्चुअल में उनका तो मेन यही बोलना था कि ये अनसुटेबल है फॉर रिटायरमेंट सेवर्स। उनका एक फिक्स्ड मतलब था कि एक फिक्स्ड कैटेगरी के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीधे बोल रही है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिससे क्या कि इंडियन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स भी घबरा जाते हैं। यूएस की तरफ से ऐसी न्यूज़ आती है तो ओवरऑल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं वो भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना थोड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। चाइना इस वक्त वो रिलीज़ करने जा रहा है एक न्यू पॉलिसी फॉर एनएफटी ट्रेडिंग। तो वही कंट्री चाइना जो पहले बैन कर रही थी क्रिप्टो करेंसीज को, एनएफटीज को, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी था, ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो भी था, वेबसाइट्स थी, एक्सचेंजेस थी, उन सभी को बैन किया था उन्होंने। लेकिन अभी ये वापस आ रहे हैं, अभी एनएफटी की खुद की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एनएफटी की ट्रेडिंग की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ इन्होंने क्लियर किया है कि नो एनएफटी ट्रांजैक्शन विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कि अगर आप एनएफटी को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक खास ऑथराइजेशन चाहिए। लेकिन एनीवेज ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, चाहे वो ऑथराइजेशन करके कर रहे हो। इसी के साथ अगर हम इसका चाइना का मेटावर्स इंडेक्स देखें तो ये सबसे ऊपर है। अगर एक्सिनफिनिटी, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, इंजन, वैक्स, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये सबसे अच्छे परफॉर्म किए चाइना के अंदर। और चाइना में मेटावर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड एक चीज़ यह कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मेरे हिसाब से जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एडॉप्शन चल रहा है मेटावर्स का और एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स का, गेम्स का, वो इंडिया में चल रहा है। इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है, उसी के साथ चाइना भी सबसे ऊपर में से एक है। तो चाइना अगर इस तरीके से सपोर्ट करता रहेगा तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टो करेंसीज में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या आपने आज डिप में बाइंग करी है या नहीं, आपने इथेरियम बाई किया या नहीं, क्योंकि इथेरियम इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है कि जो अनबिलीवेबल है। ये लगभग ऐसा पॉइंट हमें मिलता है लगभग 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद, और हो सकता है आने वाले सालों में इस प्राइस पॉइंट पे हमें बाइंग करने का मौका ही ना मिले, हमेशा $5,000 प्लस पे ही चले। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी पॉइंट्स जो BTC के नेक्स्ट हैं ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ भी शेयर कर दिए हैं, जो भी होगा साथ के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और इसी के साथ, इफ़ यू आर होल्डर, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट नीचे जा रही है तो रिकवर भी होगी, क्योंकि इस वक्त मेन तो वही है कि US की तरफ से जो न्यूज़ आ रही थी कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया जाएगा बाय 50 basis points, वही एक सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल स्टॉक्स गिरे हैं और उसी के साथ डेफिनेटली क्रिप्टो भी नीचे गिरेगा, लेकिन होल्डर्स के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, इसी के साथ हमारे चैनल वॉल स्ट्रीट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।